जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिटिल फेरी डॉक्टर आइस रिवर वैली के एल्डर से बच रही थी। इसी समय वहाँ पर सावेन आ जाता है। सुकी आने के साथ ही उन सभी एल्डर से लड़ने लगता है। तो इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर लड़ाई हो रही थी और कुछ समय के अंदर याओ टियानवु ने सेकंड एल्डर को हरा दिया था और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखने के साथ ही टियान जोंजी वहाँ पर आ चुके थे। इसके साथ ही उससे कहते हैं, क्या तुम्हें और भी लड़ने की जरूरत है? तभी पीछे से सावेन आते हुए टियान जोंजी से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। इसकी जरूरत में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बॉडी को जल्द से जल्द रिफाइन कर दूं। अभी बात सुनने के साथ ही सेकंड एल्डर की आंखें चमक चुकी थी। वो टियान जोंजी से कहते हैं, आपको एक बॉडी की जरूरत है। ऐसे हो सकता है कि हमारे आइस रिवर वैली आपको इस लड़की से भी ज्यादा क्वालिटी की बॉडी रिफाइन करके देगी, जिसके अंदर आपकी स्पेशल पावर बहुत ज्यादा चलेगी। इसके साथ ही हम आइस रिवर वैली के कुछ टेक्निक भी आपको देंगे, जिसकी मदद से आप अपने फ्यूचर में अपनी ताकत को बढ़ा सकेंगे। ये सुनने के साथ ही टियान जोंजी उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें क्या करवाना है? अभी बात सुनने के साथ ही सेकंड एल्डर काफी खुश हो चुका था। वो उससे कहता है, इस लड़के को जान से मार दो। इसके साथ ही उस लड़की को यहाँ पर लेके आ जाओ। इन बातों को सुनने के साथ ही टियान जोंजी उससे कहते हैं, इस लड़की के साथ मेरी पहले डील हो चुकी है, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उसकी बॉडी को जला दिया था। फिर टियान जोंजी सावेन के पास वापस आते उससे कहते हैं, तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से तुम भविष्य में किसी खतरे में पड़ सकते हो। ये बात सुनने के साथ ही सावेन भी अपने गर्दन को हाँ में हिला देता है। इधर अर्थ डिमन पपेट ने भी थर्ड एल्डर की काफी हालत खराब कर दी थी। इसके साथ ही वो वहाँ पर आने के साथ ही उसे फेंक देता है। फिर सावेन की नजर पड़ती है उसकी स्पेशल बॉडी पे, जहाँ पर वो देखता है कि उसके स्पेशल बॉडी ने उन सभी को खत्म कर दिया है और वो आने के साथ ही सावेन के अंदर चली जाती है। इधर सीन लैंड लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ के लेके आ रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग गया था। जब उसके मुंह से खून निकल रहा था तो हम देख सकते हैं कि उसके मुंह से ठंडी हवा भी निकल रही थी। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी कंडीशन को देखने के साथ ही थर्ड एल्डर काफी खुश हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है, फाइनली ये लड़की भी ऐसे कंडीशन में आ ही चुकी है। भले ये लड़की हमसे बच गई हो, लेकिन ये आइस फोर्स से नहीं बच पाएगी, कुछ समय के अंदर ये मारे जाएगी। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही सावन को काफी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो अपने ग्लेस फ्लेम से उसे जलाने लगता है। इसके साथ ही वो कहता है, आखिर मैं लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर से आइस फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ? अगर तुमने जल्दी नहीं बताया तो इसी फायर से मैं तुम्हें जला के मार दूंगा। ये द्विकी आइस रिवर वैली की सबसे खास द्विकी है। आइस रिवर वैली के लोग डॉजिंग लेवल पर पहुंचने के साथ ही इस द्विकी को बना लेते हैं। इसके साथ ही वो जिस भी ओपोनेंट के अंदर इस द्विकी को डालते हैं तो उसके अगले एक महीने के अंदर मौत हो जाती है। सिर्फ वैली चिप को पता ही आखिर इसके अंदर से कैसे निकाला जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी पावरफुल हो कि हमारी वैली चिप को झुका सको आइस फोर्स को निकालने के लिए। अब पूरी बात सुनने के साथ ही सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को उठाकर वहां से चला जाता है। अब सावन के पीछे पीछे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जिसकी बॉडी वहीं पर जल रही थी। अगले सीन में हम सावन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि गॉड सिस्टम के गहराई में आ चुके थे। इसके साथ ही वो आने के साथ ही एक गुफा के अंदर आ जाते हैं। सावन वहां पर आने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर को एक चट्टान पर बैठाने के, फिर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर के हैंड को पकड़ने के साथ ही उससे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपनी द्विकी को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसके साथ ही चेक करने लगता है आखिर उस आइस फोर्स कहां से आ रही है। अब कुछ समय बाद सावन को एक रास्ता मिल जाता है। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम इस तालाब के ऊपर जाओ, जिसके बाद मैं जो भी करूं वही से तुम करना। अभी सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर बिना किसी सवाल जवाब के उस पुल के ऊपर आ जाती है। उसके हर एक बढ़ते कदम उस पुल को फ्रीज कर रही थी। ये देखने के साथ ही सीलन थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन जैसे वो सेंटर में आ जाती है उस समय हम सावन को देखते हैं जिसने अपने ग्लेस फिल्म को वापस एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही उसने अपने ग्लेस फिल्म को लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ लपेट दिया था। ग्लेस फिल्म के गर्मी की वजह से हम देखते हैं वो पुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। इसके साथ ही सावन अपने स्टोरिंग से कुछ उन सभी पिल को लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर एंटर करते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम इन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, यानी कि कंज्यूम करो। अभी बात सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर भी इसके लिए तैयार हो गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं सावन वहाँ पर हैंड सील क्रिएट करने लग गया था। सावन फिर से लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इन सभी चीजों में काफी तकलीफ होगी, तो तुम कोशिश करना कि इन सभी दर्द को बर्दाश्त कर लो। ये कहने के साथ ही वो अपने हैंड सील को क्रिएट करने लग गया था। इस कारण से हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लग गई थी, और जैसे जैसे वो एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी में एंट्री कर रही थी उसी तरह से लिटिल फेरी डॉक्टर को परेशानी होने लगती है। ये देखकर सावन परेशान हो चुका था। वो कहता है कि तुम ठीक हो? अभी सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर सकती हूँ। इन शब्दों को सुनने के साथ ही सावन ने अपने प्रोसेस को और भी स्पीड कर दिया था ताकि लिटिल फेरी डॉक्टर को कम से कम तकलीफ हो। हम देखते हैं वहाँ पर काफी मात्रा में गोल्डन एनर्जी आ गई थी। इसके साथ ही वो सभी गोल्डन एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर जाने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से एक ठंडी हवा निकलती है। अब ये देखने के साथ सावन राहत की सांस लेते हुए कहता है, फाइनली ये काम कम्प्लीट हुआ। सावन लिटिल फेरी डॉक्टर को वहीं पर छोड़ने के साथ ही सीलन से कहता है, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जैसे कि तुम्हें पता है एज रिवर पहले हमारे पीछे पड़ चुकी है, इसलिए मुझे याओ टियानवु की बॉडी को जल्द से जल्द रिफाइन करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द
जल्दी जल्दी इस स्क्रोल में जो भी कुछ लिखा हुआ उन सभी को लेके आ जाओ। अब सब उनकी पूरी बात सुनने के साथ ही सिलेन उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर मुझे ये सभी चीज ना मिला तो मैं अपने क्लैन जाकर इन सभी चीजों को लेके आ जाऊंगी, इसलिए तुम इसके बारे में टेंशन मत लेना। सिलेन की बातों को सुनने के साथ ही सावेन ने अर्थ डेमन पपेट को बुला लिया था। वो कहता है तुम इसके साथ जाओ, अगर किसी भी तरह से परेशानी आएगी तो अर्थ डेमन पपेट उसे संभाल लेगा। इसके साथ तुम यहाँ से जाने के साथ ही इसके कपड़े को चेंज कर लेना। सिलेन के जाने के बाद लेटर पर डॉक्टर को सावेन देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर सावेन के कुछ समय पहले लड़ाई हुई थी। हम देखते हैं वहाँ पर अभी के समय कुछ लोग मौजूद होते हैं, वो आसपास की नजारा देख रहे थे। इसके साथ ही वो सभी हैरान होते हैं। वो व्यक्ति अपने सिलेन के पास आने के साथ ही उसे ग्रीट करता है। इसके साथ ही कहता है यहाँ पर जितने भी एल्डर्स वो फुल पोजन लेडी को पकड़ने के लिए आए हुए थे वो सभी मारे जा चुके हैं। उस जूनियर की ऐसी बातें सुनने के साथ ही सीनियर कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें एल्डरसन को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर इधर हम फिर से सावन को देखते हैं जो कि अभी कस में बैठा हुआ था, और इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी से धीरे धीरे करते हुए आइज निकल रहा था, और अगले पर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलती है। उसके साथ ही आइज फोर्स उसके मुंह से बाहर निकल आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर नीचे आने के साथ ही कहती है मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अभी बात सुनने के साथ ही सावन काफी खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए उसके पास आ जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर अपनी बातें करने लग गए थे। इसी दौरान सावन ने अपनी स्टूडिंग से एक पिल निकालने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अभी का समय तुम अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम इस पिल को खा लो और कुछ समय के अंदर तुम अपनी दुईकी को पूरी पीक पे इस्तेमाल कर पाओगी। उस पिल को लेने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उस पिल को खा लेती है। फिर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर से सवाल करता है आखिर वो फुल पॉइजन बॉडी तुम्हारी एक्टिवेट कब होगी। सावन की बातों का जवाब देते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है ये इतना भी जल्दी नहीं होने वाला, लेकिन मैं इस चीज को फील कर पा रही हूँ कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो फुल पॉइजन बॉडी मुझसे आउट ब्रेक हो जाएगी। उसकी ये बात सुनने के साथ ही सावन परेशान हो चुका था। वो उससे कहता है क्या तुम अभी ठीक हो। अभी सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है अभी के समय मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगले 2 से 3 महीने के बाद मेरी बॉडी एक्सप्लोजन हो जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे इसकी चिंता नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है तुम ऐसे नॉनसेंस बातें कैसे कर सकती हो, और तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि 3 से 2 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारे वो फुल पॉइजन बॉडी को किसी भी तरह से कंट्रोल में लेके आ जाऊंगा, और मैं तुम्हें बता दूं वो सभी चीजें आ चुकी है जो कि तुम्हारे वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में है, सिवाय स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट की कोर। जैसे वो कोर मुझे मिल जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद करूंगा। स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट की बात सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहती है मैंने लुओ टेम्पल के अंदर स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट को देखा है। अभी बात सुनने के साथ ही सावन काफी खुश हो चुका था। वो उससे कहता है कैसे में लुओ टेम्पल के अंदर वो स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट है। लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहती है मुझे तो पता नहीं आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन फिर भी मेरे गेस के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डाउजुंग तक होनी चाहिए। 8 स्टार डाउजुंग के नाम सुनने के साथ ही सावन हैरान हो चुका था। वो उससे कहता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हम सभी कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है कि हम सभी उससे मिलकर उनसे खत्म कर दे। अभी वो सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सिर को हाँ मिला देती है। लिटिल फेरी डॉक्टर सावन को बताती है कि ये स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट ओवरलोड है यहाँ का, इसलिए अगर हम उसके इलाके में जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर कई सारे व्यक्ति भी होंगे, यानी कि कई सारे मैजिकल बीस्ट भी होंगे उसके प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए अगर हम उस बीस्ट से लड़ने जाएंगे तो हमें पूरी तरह से तैयारी करनी होगी, उसके बाद ही हम उस बीस्ट पे हमला करेंगे, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर हम उस बीस्ट पे हमला करेंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। अभी वह सुनने के साथ ही सावन कहता है बिल्कुल तुमने ठीक कहा, एक बार अर्थ डेमन पपेट को वापस आ जाने दो, उसके बाद हम इसके आगे के काम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक मुझे योटियनबू से बात करनी होगी इसके बारे में। उसके इतने कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर योटियनबू पे आ जाता है, जहाँ पर योटियनबू और सावन बातें कर रहे थे। जो सावन से कहता है कि तुम इस बुड्ढे की जान लोगे क्या, तुम्हें नहीं पता कि आखिर वो कितना पावरफुल है, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उसकी पावर को, मैं चाहूँ तब भी उसकी मुकाबला नहीं कर सकता, और उससे भी मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी नहीं है। उनकी बातों को सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है मुझे पता है कि इसमें काफी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर हमने उस मैजिकल बीस्ट को मार दिया तो हमारा मॉन्स्टर को और उसके साथ ही ब्लड एसेंस हमें मिल जाएगा, और उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं आपकी बॉडी को भी रिफाइन कर दूंगा, इसलिए आप इसके बारे में चिंता ना करें। अब काफी समय तक समझाने के बाद भी टियानजुन इसके लिए तैयार नहीं होते, तो सावन उससे बताता है कि उसके टीचर के पास एक ऐसी स्क्रोल है जिसके अंदर पावरफुल पिल की रेसिपी है, और ये पिल और कोई नहीं बल्कि यिंग यान लाइफ मिक्सिंग पिल है। अब डील हो जाने के बाद योटियनबू को समझ में आता है कि सावन ने उसे ट्रैप कर लिया है। अब ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय वहाँ पर सीनलैंड आ चुकी थी जो कि काफी परेशान दिख रही थी। अब सीनलैंड को परेशान होता देख सावन उससे कहता है क्या बात है तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। इसके साथ ही मैंने गली में देखा कि आपका वांटेड पोस्टर लगा हुआ था, आइस रेवल वैली आपके नाम के वांटेड लिस्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको पकड़ने के लिए आइस वैली ने काफी पावरफुल लोगों को भेजा, वो डॉजू के 8 स्टार पे
पे। इसके साथ ही उसका नाम लुओ सेंग है। इन बातों को सुनने के साथ ही सबन उससे कहता है अगर ऐसी बात तो हमें जल्द से जल्द मॉन्स्टर कोर को जल्द से जल्द लेना होगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर अभी कस में कई सारे स्टूडेंट आ चुके थे। इसके साथ ही वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी आता है। इसके साथ ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ ही उन सभी की मेमोरी चेक करने लग गए थे। एंडरसन अपने सामने वाले पिक्चर को देखने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था और कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था उन सभी को पता चल जाता है आखिर उस लड़की के साथ कौन कौन व्यक्ति है। एंडरसन कहता है आखिर तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई इस लड़की की मदद करने की, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उस लड़के ने हमारे आइस वैली को चैलेंज किया है, आज उस लड़के का आखिरी दिन होगा। इसके साथ ही वो कहता है इंटरेस्टिंग, ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। उसकी हंसी के बाद चारों तरफ वैली में फैल जाती है। सावन और लिटिल फेरी डॉक्टर स्क्रोपिन ड्रैगन बीस्ट को खोज में वहाँ पर आ चुके थे और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। और इनके अलावा अगर आपको न्यू सीरीज देखना है तो आप राइट वाले स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।